आज हम स्टार्ट करें हैं पेल्विस के अनदर क्लिनिकल्स पेल्विक कैविटी, और इसका सिर्फ एक ही क्लिनिकल है, वो है इंजरी टू पेल्विक फ्लोर। फिर हमने इसके बाद न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ पेल्विस पढ़ना है, उसके अंदर बेसिकली तीन क्लिनिकल्स हो गए। तो आज हमारा छोटा सा सेशन होगा, तो उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्लिनिकल इंजरी टू पेल्विक फ्लोर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेल्विक फ्लोर या पेल्विस का फ्लोर ये क्या होता है, किन किन मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो पेल्विस का जो फ्लोर होता है उसको थोड़ा जूम कर दूँ। पेल्विक फ्लोर फ्लोर दो मसल से मिलकर बनता होता है, एक मेजर मसल जो कि इसका एंटीरियर 5-6 बनाएगा, यानी जो एंटीरियर मोस्ट फाइबर या फिर आप कह सकते हैं मेजोरिटी जो होगा वो, और दूसरा होगा माइनर रोल होगा इसका, और वो ये एंटीरियर होगा जो माइनर वाला होगा, थोड़ा पोस्टीरियर मोस्ट होगा, पोस्टीरियर मोस्ट होगा, एंटीरियर मोस्ट होगा। जो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है पेल्विक फ्लोर के अंदर वो होता है लिवेटर एनाई का, लिवेटर एनाई, और जो इसका माइनर कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है कोक्सीजियस। जो लिवेटर एनाई होता है इसको मजीद तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, के फाइबर्स किस तरह अरेंज हुए हुए हैं। जिसके जो मोस्ट मीडियल होता है उसको बोलते हैं प्यूबरेक्टालिस, जो प्यूबर एक्टालिस से लैटरल जाएगा तो उसको बोलेंगे प्यूबोकॉक्सीजियस, जो सबसे लैटरल मोस्ट और पोस्टीरियर मोस्ट होगा उसको बोलेंगे हम इलियोकॉक्सीजियस, जो सिंपल कॉक्सीजियस है उसको हम इसको इशियोकॉक्सीजियस भी बोल सकते हैं। तो नाम पे फोकस कीजिएगा, ये मसल्स कॉक्सिस से अटैच है और अटैच होने के बाद हिप बोन पे जाएगी, और हिप बोन तीन बोन के फ्यूजन किससे मिलती है, इलियम इस्कियम प्यूबिस। तो जो इशियोकॉक्सीजियस है ये इशियम से अटैच होगा, जो इलियोकॉक्सीजियस है इलियम से अटैच होगा, जो प्यूबोकॉक्सीजियस है वो प्यूबिस से अटैच होगा। जो प्यूबर एक्टालिस है ये प्यूबिस से अटैच होने के बाद एक यू शेप स्लिंग बनाएगा, उसको बोलते हैं प्यूबोरेक्टल स्लिंग या फिर प्यूबोरेक्टालिस स्लिंग। तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हिप बोन, ये राइट हिप बोन, लेफ्ट हिप बोन, और इन में से मसल्स निकलने के बाद इसने यू शेप स्लिंग बनाया, इसको बोलेंगे प्यूबोरेक्टालिस यानी प्यूबोरेक्टल स्लिंग। इस स्लिंग ने एनोरेक्टल जंक्शन को मोड़ के रखा, इसने एक एंगल क्रिएट किया, एक फ्लैक्चर क्रिएट किया जिसका नॉर्मल एंगल था 80 डिग्री का, और ये फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करता था। तो ये तो हो गया इसका कंट्रीब्यूशन। तो तीन फाइबर्स हो गए, प्यूबोरेक्टालिस, प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस, जबकि दूसरा कंट्रीब्यूशन था इशियोकॉक्सीजियस यानी सिंपल कॉक्सीजियस वाला। तो ये तो थोड़ा सा बता दिया पेल्विक फ्लोर के बारे में। जो प्यूबोकॉक्सीजियस होता है इसके कुछ फाइबर्स धोखा कर जाती है, दगा कर जाती है, और धोखा कर जाने के बाद ये फाइबर्स कुछ जहाँ पर जाएंगे उनका नाम तब्दील हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके कुछ फाइबर्स प्यूबोकॉक्सीजियस के वजाइना के पास जाए फीमेल के अंदर, तो उसको बोलेंगे, उन फाइबर्स को बोलेंगे प्यूबोवजाइनालिस। कुछ फाइबर्स अगर मेल के अंदर प्रोस्टेट में जाए तो उसको बोलेंगे प्यूबोप्रोस्टेटिकस। अगर वो पेरिनियल मेम्ब्रेन की तरफ जाए यानी पेरिनियम की तरफ जाए तो उसको बोलेंगे प्यूबोपेरिनियलस। उसके कुछ फाइबर जो कि इनर किनार को सराउंड करे उसको बोलेंगे प्यूबोएनालिस। तो ये इसके चार डाइवर्जिंग फाइबर्स हो गए। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत ओवरव्यू। तो आपको पहले हम जो पढ़े थे वो है क्लिनिकल के इंजरी टू पेल्विक फ्लोर। जो पेल्विक फ्लोर की इंजरी का पहले कॉज लिखते हैं फिर हम इसका इफेक्ट लिखते हैं। तो पहले से कॉज क्या होगा, कॉज का दो हो सकता है, या तो चाइल्ड बर्थ की वजह से जो बेबी का हेड था उसने मसल फाइबर को टेयर कर दिया, तो चिल्ड्रन लिख दिया मैंने, हालांकि यहाँ पर मुझे चाइल्ड बर्थ लिखना चाहिए था, कांटा मार दिया। तो चाइल्ड बर्थ, जो फीटस का हेड है उसने कंप्रेस किया और मसल फाइबर को टेयर किया, टेयरिंग ऑफ मसल फाइबर्स। दूसरा ये हो सकता है कि कोई ट्रॉमाटिक इंजरी हुई पेल्विस को, ट्रॉमा हुआ, उस ट्रॉमा ने नर्व्स को डैमेज कर दिया जो पेल्विक फ्लोर को यानी लिवेटर नाई और कॉक्सीजस को सप्लाई करी थी, और इसकी नर्व सैक्रल प्लेक्सस से आती है। ट्रॉमाटिक इंजरी डैमेज द सैक्रल प्लेक्सस यानी नर्व्स को डैमेज कर देगा। तो ये तो इसके दो कॉज हो गए। अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मसल पार्ट हो गया है इसको डैमेज हुआ है। यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट, तो इफेक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अगर स्पेसिफिकली वो कौन कौन से पार्ट है जो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो प्यूबोकॉक्सीजियस और प्यूबोरेक्टालिस इनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्यूबोकॉक्सीजियस की एक तरफ से,
दूसरी तरफ यहाँ पे लिख देते हैं प्यूबो रेक्टैलिस। और प्यूबो कोक्सीजस के साथ आकर एक पेल्विक फेशिया जो कि वजाइना को सराउंड करता है लैट वाले, तो उसको बोलते हैं पैरा कोल्पियम। वो भी टेयर हो सकता है इंजरी की वजह से, तो पैरा कोल्पियम। इसके डैमेज होने की वजह से क्या होगा और प्यूबो रेक्टैलिस के डैमेज हो जाने की वजह से क्या होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। जो इसकी वजह से डैमेज होने की वजह से होगा कि जो विसरा हो गया, विसरा स्पेसिफिकली अगर मैं लिबेटर एंड आई की ओवरऑल बात करूँ तो उनका मेन मकसद ये होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि विसरा प्रोलैप्स ना कर जाए, पेरिनियम के अंदर प्रोलैप्स ना कर जाए, तो फिर जो सपोर्ट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो डिक्रीज सपोर्ट टू विजाइना, विजाइना को सपोर्ट नहीं मिली और किसको सपोर्ट ख़त्म हो गई, ब्लेडर की, क्योंकि ये हैवी विसरा है, यूट्रस, रेक्टम, रेक्टम था पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि कुछ फाइबर्स नेक ऑफ ब्लेडर के अराउंड सराउंड करते हैं, तो जो नेक ऑफ ब्लेडर की पोजीशन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। जब नेक ऑफ ब्लेडर की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो फिर जो यूरिनरी कॉन्टिनेंस है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होगा, तो फिर नेक ऑफ ब्लेडर की पोजीशन अल्टर हो जाएगी। और नेक ऑफ ब्लेडर की पोजीशन अल्टर हो जाने की वजह से जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है, और चूंकि ये यूरिनरी कॉन्टिनेंस हमें इस वजह से देखने को मिली क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रेस हुआ, इंजरी हुई, तो उसको बोले कि हम यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। यानी इसमें होगा क्या, यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रेजिस्ट करने वाला पेल्विक फ्लोर डैमेज हो चुका है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेजिस्ट नहीं होगा तो फिर ये विसरा प्रोलैप्स कर जाएगी और यूरिन की ड्रिबलिंग होगी, इसको बोले कि यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो इसमें होगा क्या, जिसमें एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर यूरिन की ड्रिबलिंग होगी क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा पेल्विक फ्लोर, तो इससे यूरिन की ड्रिबलिंग होगी, इसको बोलते हैं हम यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो ये तो हो गया। अब दूसरा है प्यूबरेक्टैलिस। प्यूबरेक्टैलिस अगर डैमेज हो गया तो फिर इसकी वजह से जो एनोरेक्टल एंगल था वो डिसअपेयर हो जाएगा। ओके, तो एनोरेक्टल एंगल अफेक्ट होगा, जब एनोरेक्टल एंगल डैमेज होगा या फिर अल्टर हो जाएगा तो फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया इंजरी टू पेल्विक फ्लोर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरोवास्कुलेचर स्ट्रक्चर्स ऑफ पेल्विस। न्यूरोवास्कुलेचर स्ट्रक्चर्स ऑफ पेल्विस, इनके क्लिनिकल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे याट्रोजेनिक इंजरी ऑफ यूरेटर, या फिर आइट्रोजेनिक बोल सकते हैं उसको मैं, आइट्रोजेनिक इंजरी, ऐसी इंजरी जो फिजिशियन की वजह से हो तो उसको बोले कि याट्रोजेनिक इंजरी ऑफ यूरेटर। यानी सर्जरी करते वक्त अगर डैमेज हो गया तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, द इंजरी मेड अप बाय, इंजरी कॉज्ड बाय मिसटेकन सर्जरी या फिर डिफरेंट टेक्निक की वजह से अगर मिसटेकन हो गया तो फिर इंजरी होती है, उसको बोलते हैं याट्रोजेनिक इंजरी। अभी किसकी पढ़े हम, यूरेटर की पढ़े हैं। तो हमें दो आर्टरीज के दरमियान एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अगर हम उन आर्टरीज को लाइगेट करने जाए, फॉर एग्जांपल अगर यूट्रस को अगर हमने रिमूव करना हो, इस कंडीशन को बोलते हैं हिस्टरेक्टमी। अगर हमने ओवरी को रिमूव करना हो तो उसको बोलते हैं ओवोफ्रेक्टमी। तो इसमें इनकी आर्टरीज को भी निकालना पड़ता है, फिर आर्टरीज को निकालने के वक्त खुदा ना खासा यूरेटर भी डैमेज हो सकते हैं। तो कौन सी दो आर्टरीज के लाइगेट करने के दौरान यूरेटर डैमेज हो सकता है, पहला होगा यूट्राइन आर्टरी और दूसरा होगा ओवेरियन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी की हम लाइगेशन किस कंडीशन के अंदर करते हैं, हिस्टेरेक्टमी के अंदर, हिस्टेरेक्टमी यानी एक्सीजन ऑफ यूट्रस। और ओवरी की रिमूवल को हम बोलते हैं ओवोफ्रेक्टमी, ओवोफ्रेक्टमी। जो यूट्राइन आर्टरी है और यूरेटर, इनका क्या रिलेशनशिप होता है, तो दोनों एक ही पॉइंट पर क्रॉस करते होते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा होता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपको एग्जाम में आएगा। जो यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी आदि को क्रॉस करते हैं नियर द लैटरल पार्ट ऑफ फॉर्निक्स ऑफ वजाइना। अब फॉर्निक्स ऑफ वजाइना के पास ये यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी क्रॉस करते हैं, किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। ओके, इस डायग्राम में देखिएगा, ये जो येलो वाला दिखाया भाई है यूरेटर है, और जो एक आर्टरी जो यूट्रस को सप्लाई करे उसको बोलेंगे यूट्राइन आर्टरी, जो किस आर्टरी की ब्रांच होती है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की।
ओके नहीं इंटरनल पेरिटोनियल आर्टरी की नहीं बल्कि ये इंटरनल इलिक आर्टरी की ब्रांच होती है, तो यूरोट्राइन आर्टरी, तो यूरोट्राइन आर्टरी आपको ये नजर आ रही है और जो यूरेटर ये इधर नजर आ रहा है ये विजाइना है विजाइना, और जब सर्विक्स विजाइना के अंदर एंटर होता है तो दो फोर्निक्स या फिर स्पेस क्रिएट होती है या फिर रिसेसिस क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं लैटरल फोर्निक्स। तो ये लैटरल फोर्निक्स होगा तो इसके नज़दीक यूरेटर और यूरोट्राइन आर्टरी दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो अगर हमने यूट्रस को रिमूव करना हो तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम इस आर्टरी को लाइगेट करते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता यूरेटर भी इसको डैमेज हो सकता है इस कंडीशन के अंदर, तो फिर हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए। तो ये तो हो गया किसके यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी का रिलेशनशिप। एक और आर्टरी होती है उसका नाम है ओवेरियन आर्टरी, तो ये है ओवरी है, तो ओवरी को जो आर्टरी सप्लाई करेगी उसका नाम है ओवेरियन आर्टरी, और ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से आती है। जब ओवेरियन आर्टरी और यूरेटर पेल्विक बोन को क्रॉस करते हैं क्योंकि इन्होंने पेल्विस में आना है, तो फिर फाइनली एक दूसरे को क्या करते हैं ये सामने से गुजरते हैं, तो फिर इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन या फिर क्रॉसिंग पॉइंट क्या पे होगा नियर या फिर एट पेल्विक ब्रिम, क्योंकि पेल्विक ब्रिम ये वो रास्ता जिसकी वजह से स्ट्रक्चर्स पेल्विस में एंटर या फिर लीव कर सकते होते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल है कि अगर हम इंटरनल इलिक आर्टरी को लाइगेट करते हैं तो लाइगेट कर जाने की वजह से खुदा ना खास्ता पेल्विस के अंदर ब्लड लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया था कि जो कॉमन इलिक आर्टरी होती है, पहले आप एक जनरल से पॉइंट बता देता हूँ, जो कॉमन इलिक आर्टरी ये एब्डोमिनल एओर्टा की टर्मिनेशन होती है, तो ये हो गया कॉमन इलिक आर्टरी। कॉमन इलिक आर्टरी दो आर्टरी में डिवाइड होती है, एक होती है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और दूसरी होती है इंटरनल इलिक आर्टरी। जो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी होती है इसने बेसिकली दो ब्रांचेस देनी होती है, वो दो ब्रांचेस कौन सी होती है, डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी, डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी, दूसरा देनी होती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये से देनी होती है दो ब्रांचेस। और बेसिकली जब ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट से क्रॉस करती होती है, इसके नीचे से गुजरती है इंग्वाइनल लिगामेंट के, तो फिर इसका नाम तब्दील हो जाता है, उसको बोलते हैं फीमोरल आर्टरी, और फीमोरल आर्टरी बेसिकली लोअर लिम को सप्लाई करती है, लोअर लिम को सप्लाई करती है। जो इंटरनल इलिक आर्टरी होती है, इंटरनल इलिक आर्टरी दो डिवीजन में डिवाइड होती है और हर डिवीजन अपने अपने स्पेसिफिक पैराइटल और विस्तरल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, चाहे एंटीरियर डिवीजन हो चाहे पोस्टीरियर डिवीजन हो अपने अपने ये पैराइटल और विस्तरल ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, डिपेंडिंग अपॉन ये पेल्विक वाल को सप्लाई कर रही है या फिर विस्तरल को सप्लाई कर रही है, तो ये भी पैराइटल और दूसरा होगा विस्तरल। जो पेराइटल ब्रांचेस होती है किसके इंटीरियर डिवीजन की, ये मजीद इसकी दो कैटेगरी में होती है, एक होगा इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, दूसरा होगा ऑब्चुलेटर आर्टरी। जो ऑब्चुलेटर आर्टरी ने किसको सप्लाई करना होगा बताता हूँ मैं, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी ने सप्लाई करना बेसिकली ग्लूटियल मसल्स को, ग्लूटियल रीजन को देते हैं यहाँ पर। जो ऑब्चुलेटर आर्टरी है बेसिकली सप्लाई करना होता है ये एडक्टर मसल्स को, इसने भी लोअर लिम्प में, यानी इसको हम लोअर लिम्प लिख सकते हैं यहाँ पर। जो उसकी विस्तरल ब्रांचेस होती है एंटीरियर वेन की बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर विस्तरल ब्रांचेस, तो एक होगी सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, जब वर्ड वेजिकल होता है ये ब्लेडर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसने ब्लेडर को सप्लाई करना होगा। और जो मिडल रेक्टल आर्टरी है इसने रेक्टम को सप्लाई करना होगा। जो इन्फीरियर वेजिकल आर्टरी है वंस अगेन वेजिकल है, तो इसने भी ब्लेडर को करना होगा, ब्लेडर के साथ प्रोस्टेट को भी करना होगा, और चूंकि प्रोस्टेट सिर्फ मेल में होता है तो फिर ये आर्टरी भी सिर्फ मेल में ही होगी। और कौन कौन सी ब्रांचेस होगी, तीन होगी, चौथी होगी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी जो कि मेन पेरिनियम की आर्टरी है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी पेरिनियम की है, ये तमाम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को सप्लाई करती है। नेक्स्ट आर्टरी है जो सिर्फ फीमेल में होती है वजाइनल आर्टरी, ये वजाइना को सप्लाई करेगी। और जो यूट्राइन आर्टरी है ये यूट्रस को, यूट्राइन ट्यूब को यानी फेलोपियन ट्यूब को और ओवरी को भी सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर डिवीजन में क्या रह गया, पोस्टीरियर डिवीजन के कोई विस्तरल ब्रांचेस नहीं होती, तो यहाँ पे लिख देते हैं नील, लेकिन जो पैराइटल ब्रांचेस है ये मजीद तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है, इलियो लंबर, इलियो लंबर इसने बैक को सप्लाई करना होगा लंबर रीजन को। अगली होगी लैटरल सैक्रल, लैटरल सैक्रल इसने भी बैक को सप्लाई करना होगा, यानी इसने लंबर वाले एरिया को, इसने सैक्रम वाले एरिया को। और अगली है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी इस आर्टरी ने भी
ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करना होगा। तो बेसिकली आपको बता दिया फ्लो चार्ट के जरिए कि ये क्या आर्टरियल सप्लाई होती है इंटरनल लीक आर्टरी से। तो फिर जो आज का जो हमारा टॉपिक वही है कि इंटरनल लीक आर्टरी बेसिकली पेल्विस को सप्लाई कर रही है और जो एक्सटर्नल लीक आर्टरी है बेसिकली लोअर लिप को सप्लाई कर रही है। तो अगर हम इंटरनल लीक आर्टरी को लाइगेट करें किसी न किसी सर्जरी के दौरान, तो क्या कोई कोलैटरल सर्कुलेशन होगी पेल्विस के अंदर जो ब्लड प्रोवाइड करेगी विसरा को? तो उसका जवाब है जी हाँ, कोलैटरल सर्कुलेशन होगी। वो कोलैटरल सर्कुलेशन किन किन आर्टरीज के दरमियान होगी, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम हेडिंग देते हैं यहाँ पर कोलैटरल सर्कुलेशन। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कोलैटरल सर्कुलेशन किन किन आर्टरीज के दरमियान में होगी। जो पहली आर्टरी है उसका नाम है, पहला जो सेट बना लो, सेट पहला जो सेट होगा वो होगा लंबर और इलियोलंबर। अब जो लंबर आर्टरी है ये एक आर्टरी कहाँ से आती है, एब्डोमिनल एओर्टा से। तो उसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एब्डोमिनल एओर्टा। और जो इलियोलंबर है साफ बात है ये इंटरनल इलियक आर्टरी की पेराइटल डिवीजन के भी, सॉरी इंटरनल इलियक आर्टरी के पोस्टीरियर डिवीजन की पेराइटल ब्रांच। तो लंबर आर्टरी एओर्टा से आती है, एब्डोमिनल एओर्टा, और ये आती है पोस्टीरियर डिवीजन, और यानी आप सिंपल कह सकते हैं पेराइटल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल लीक आर्टरी। तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा जो सेट होगा वो मीडियन सैक्रल एंड लैटरल सैक्रल। जो मीडियन सैक्रल है ये भी एब्डोमिनल एओर्टा की टर्मिनेशन से आती है। ओके, टर्मिनेशन से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एब्डोमिनल एओर्टा। और लैटरल सैक्रल आर्टरी होती है ये भी वंस अगेन पेराइटल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। तीसरी कैटेगरी है रेक्टम के हवाले से, तीसरी कैटेगरी लिख लेते हैं हम सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड मिडल रेक्टल आर्टरी। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के टर्मिनेशन कह सकता हूँ या फिर इसकी कंटिन्यूशन कह सकता हूँ। तो ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो वंस अगेन एब्डोमिनल एओर्टा की विसरल ब्रांच है। और ये मिडल रेक्टल आर्टरी, अभी आपको पीछे बताया मिडल रेक्टल आर्टरी, ये इसके यहाँ पे दिखाया था आपको मिडल रेक्टल आर्टरी। तो मिडल रेक्टल आर्टरी ये विसरल ब्रांच है इंटीरियर डिवीजन की। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको विसरल ब्रांचेस ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, नेक्स्ट है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी। यस, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी। अच्छा, आपको बताया था कि रेक्टम को तीन आर्टरी सप्लाई करती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और तीसरी होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। अब इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच होती है, ये सवाल आप पर। चलो मैं बता देता हूँ, ये इंटरनल पुडेंडल आर्टरी होती है। तो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी इनके दरमियान नेक्स्ट सेट बनेगा। अब इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी बताया था पीछे, दिखाया था दोबारा, ये इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है जो कि पोस्टीरियर डिवीजन थी, यानी सॉरी पेराइटल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं पेराइटल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, ये भी हो जाएगा। जो प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी है ये आती होती है फिमोरल आर्टरी से आती है। ओके, फिमोरल आर्टरी की डीप ब्रांचेस हैं। तो ये तो हो गया कोलैटरल सर्कुलेशन, आपको सेट बता दिया। जो लास्ट क्लिनिकल है आज का वो है इंजरी टू पेल्विक नर्व्स। लास्ट क्लिनिकल है इंजरी टू पेल्विक नर्व्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पेल्विक फ्लोर और पेल्विक फ्लोर को हो डैमेज पहुंचाना है तो फिर हमें पेल्विक नर्व को डैमेज करना पड़ेगा। तो हम पढ़े इंजरी टू पेल्विक नर्व्स, यानी जो पिछला क्लिनिकल पढ़ा था उसका ये कॉज बता रही है इंजरी टू पेल्विक नर्व। तो ये किस किस वजह से डैमेज हो सकती है नर्व्स। ओके, तो जो नर्व्स के जो इंजरी होती है इनका मेजर कॉज होता है चाइल्ड बर्थ यानी वजाइनल डिलीवरी। इसमें जब फीटस का हेड या फिर बेबी का हेड बोल दूँ तो वो नर्व्स को डैमेज कर देगा। तो फीटल हेड कंप्रेस या फिर डैमेजेस द नर्व्स ऑफ सैक्रोप्लेक्सिस। तो इसका कॉज क्या हो गया, फीटस का हेड या बेबी का हेड। अब इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन नर्व कौन सी डैमेज हुई है। अगर ऑब्चुलेटर नर्व डैमेज हुई है तो उसका इफेक्ट कुछ और देखने को मिलेगा। अगर लिवेटर एनाई की नर्व अगर डैमेज होगा तो फिर हमें कुछ और देखने को मिलेगा, नर्व टू
लिवेटर अनाई। तो यहाँ पे इफेक्ट में सिर्फ दो एग्जांपल दी हुई है, लिवेटर अनाई की नर्व अगर डैमेज हो गई है या फिर ऑब्चुरेटर नर्व। अगर ऑब्चुरेटर नर्व डैमेज हो गया है तो इसकी वजह से जो एडक्टर मसल्स हैं वहाँ पे हमें मोटर लॉस देखने को मिलेगा, एडक्टर कंपार्टमेंट। और दूसरा जो होता है जो सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा ऑन द मीडियल थाई, सेंसरी लॉस ऑन मीडियल थाई। जो एडक्टर कंपार्टमेंट इसमें कौन कौन से मसल्स आते हैं, एडक्टर ब्रेविस, लोंगस, मैग्नस, मैग्नस का भी एडक्टर पार्ट क्योंकि इसका वो भी पार्ट होता है हैमस्ट्रिंग पार्ट। और इसके अलावा जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल, ये मसल्स होते हैं, ग्रेसिलस, पेक्टिनियस, बस काफ़ी इतना। अगर नर्व टू लिवेटर नाई डैमेज हो गया तो फिर इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से जो पेल्विक विस्तरा इसकी सपोर्ट खत्म होगी, लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ पेल्विक विस्तरा, जिसकी वजह से हमें प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, नंबर वन। नंबर टू ये देखने को मिल सकता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जब हमने बोला था यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, क्या कर जब भी एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है जैसे खांसी कर लेते वक्त या फिर छींकते वक्त तब भी ड्रिबलिंग होती है यूरिन की। तीसरा होगा फीकल इनकॉन्टिनेंस, वो हमने बताया था कि प्यूबरेक्टालिस मसल डैमेज हो गया जिसकी वजह से वो स्लिंग नहीं बना पाया, एनोरेक्टल एंगल मेंटेन नहीं कर सका। तो आज की सिर्फ इतना ही था, वीडियो पता है काफ़ी लंबी हो गया है, तो अगर पूरी देखिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।